और आज के इस वीडियो पे हम लोग हारमोनियम मोबाइल ऐप से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे हमको प्रैक्टिस करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ पे हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें जिससे हमको फ़ायदा हो सके। तो चलिए चालू करते हैं। तो ये हमारा हारमोनियम ऐप और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटा ये बज रहा है, ठीक है, आपको इसका वॉइस सुनाई दे रहा होगा, बिल्कुल मोटा ये बज रहा है, लेकिन इधर की ओर हम अगर इसको लेके जाते हैं तो ये एकदम पतला बजता है। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है वो आपको करना है इस चीज़ को पकड़ के आपको 3 नंबर के पास ले जाना है। अभी यहाँ पे जब जाएंगे हम तो इसको यहाँ से जो लॉक यहाँ पे दिख रहा है इसको हम खोल देंगे और इसको हम करेंगे सेट। कैसे सेट करेंगे, देखिए ये जो 7-3 लिखा हुआ है, ये जो 7-3 लिखा हुआ है ये बटन, इसको हम देखिए, अब ये हमारा काली एक है समझ जाओ, ये 7-3 जो लिखा हुआ है उसके जो सामने जस्ट जो ये है इसको हम सा बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको सा बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा, अगर हम इसको सा बनाते हैं तो हमारा जो नीचे तरफ जो बटन रहेगा वो हमें प तक मिलना चाहिए, नीचे जो हमारा बटन रहेगा वो प तक हमको मिलना चाहिए। देखिए अगर ये सा है तो सा नी ध प, ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप मोबाइल हारमोनियम ऐप का प्रयोग कर रहे हैं हारमोनियम सीखने में तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस जगह को हम सा मार रहे हैं उसके बाद नीचे में 1 2 3 4 5 बटन हमको चाहिए। अगर हम काली चार को अगर हम सा माने तो 1 2 3 4 5 बटन हमको नीचे तरफ चाहिए ही चाहिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, अगर हम ये हमारा सा है तो नीचे हमको 5 बटन बचा के रखना ही है, क्योंकि ये बेंजो स्केल में भी अगर हम देखें, बेंजो पे भी अगर आप देखें तो जिस जगह को हम सा मानते हैं उसके बाद हमें 5 बटन और मिलता है। तो 5 बटन हम इधर छोड़ते हैं प तक तो हमें गाना बजाने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा काली एक हो गया। अब यहाँ से हमको रियाज कैसे करना है आपको पता है, सारे गामा पधा नहीं सा करते हैं वो चीज़, चलिए मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद इस हारमोनियम ऐप में हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, चलिए मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हो, यानी कि इसका कीज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो इसका कीज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो देखिए ये आ जाता है, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको अगर हम इस साइड ले जाएँ तो ये हारमोनियम कपलर हारमोनियम हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, अगर ये नॉर्मल हारमोनियम रहेगा तो हम इस पर आवाज़ मैच कर सकते हैं, यानी कि कैसे तो ये आवाज़ हमारा मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ हाई लग रहा है तो आप यहाँ से इसको खसका के ले जा सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको फिर से वही प्रैक्टिस करके देखना है सा, ठीक, इस प्रकार से आपको आवाज़ खोलना है। तो यहाँ पे अगर हम ला दें तो ये हमारा, ठीक है, पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो आप इस तरह से प तक, यहाँ तक प तक रहना चाहिए, ऐसे आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे अभी अपना आवाज़ मैच करेंगे सा रे ग म प ध, ये तो ये थोड़ा हाई हो रहा है, अब देखिए इसके हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, नी ये हाई हो जाएगा। तो हम इसके नीचे भी कर सकते हैं, देखिए ये मैं प्रैक्टिस इसमें कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी हम कपलर में कर देंगे तो सा, इसमें थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा कि आपका आवाज़ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए हम नॉर्मल में ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कपलर में प्रैक्टिस मत करना, नॉर्मल में ही प्रैक्टिस करना अगर आप आवाज़ मैच का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। अगर आप कोई गाना बजाते हैं तो उसको भले कपलर करके आप बजा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि इस प्रकार से हम कपलर करके इसको बजा सकते हैं, लेकिन आवाज़ अगर आप मैच करेंगे तो सा, सा, इस प्रकार से ही मैच करना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम जाते हैं ये वाला सिंबल जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं इधर बगल में, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इंटरफेस सामने आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो रेगा लिखा है CDE, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे सारेगामा पधा निसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसको हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा कीज़ में हमारा
सारेगामा पधनिसा आ गया, लेकिन इसके हिसाब से सा यहाँ पास है, ठीक है। देखिए इसके हिसाब से सा ये है, सा कोमल रे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए के रे थ्री, कोमल रे शुद्ध रे कोमल गा, यानी कि जो कोमल स्वर है उसके ऊपर के लिखा हुआ है, जो तीव्र म है उसके ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये कोमल स्वर है ये तीव्र स्वर है करके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम समझ सकते हैं, तो आप इसको भी सेट करके रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ओनली सा में अगर हम रख देते हैं तो ओनली सा ही इसमें बताएगा, ओके। अब यहाँ से हम इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, देखिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम इसको रिकॉर्डिंग ऑन कर दें तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए। अब देखिए इसको हम रिकॉर्डिंग को यहाँ से रोक देंगे और इसको प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को हमने रोक दिया और यहाँ से इसको अब प्ले करेंगे हम, ये हम सेव कर लिए, अब उसको हम प्ले कर सकते हैं। फिर से वही थ्री डॉट पे हम फिर जाएंगे, ये थ्री डॉट पे और ये रिकॉर्डिंग वाले, ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा था जो सेकंड नंबर, ये देखिए। तो इस तरह से इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप मेल हैं तो मेल की तरफ रख सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल की तरफ ऐसे इसको स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर भी हाई स्केल लग रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं, बराबर में रख सकते हैं, ये आपका आवाज़ वहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर आप बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको कहीं भी आप चालू कर सकते हैं और कहीं भी आप इसमें बजा सकते हैं। हाँ, लेकिन स्वर ज्ञान करने की बात है तो आप सा का प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं, लॉन्ग वार्म अप आप कर सकते हैं इसमें सा का, जैसे कि आप सभी बटन को सा बोलकर ही कर सकते हैं, सा इस तरह से आपको आपको जैसे कि गला का जो आपका उभार निकलना चाहिए वो बाहर निकल जाएगा अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा कि आवाज़ मैच करने में कैसा फीलिंग आता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जा रहेंगे तो हारमोनियम ख़रीदने के बाद बहुत ही आसानी होगा आपको आवाज़ मैच करने में, और आवाज़ मैच करके आवाज़ को साथ करके अगर हम हारमोनियम बजाते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए है, क्योंकि हम अगर आवाज़ को साध लेते हैं तो हर गाना हम बजा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको फिर से ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पे देखिए जो कपलर हम कर दिया हारमोनियम, तो बहुत ही अच्छा इसका साउंड हो जाता है। बाकी तो सब कुछ आपको इसके बारे में पता है, सारे गामा पधनिसा क्या है क्या नहीं है, तो मोबाइल हारमोनियम ऐप से भी रियाज किया जा सकता है, अच्छा खासा रियाज किया जा सकता है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था और इसका फीचर मैंने बता दिया कि इस पर आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो इधर फीमेल की ओर आप चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ से अगर हम करें तो सारे गामा पधनिसा इसको हम ला सकते हैं, अगर ओनली सा रखेंगे तो ओनली सा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको कर दें तो ये हारमोनियम यानी कि इस ऐप को बंद करने का यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे पास रहता है जो कि बिल्कुल ही हारमोनियम की तरह नज़र आता है। तो इस प्रकार से आप इसमें रियाज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप खुद ही डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप में आप हारमोनियम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपके पास हारमोनियम ख़रीदने का बजट नहीं है या फिर आप ख़रीद नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इसमें सीख सकते हैं। जिसके पास हारमोनियम नहीं है वो इसमें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, गाना का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इस हारमोनियम में कैसे हमको गाना बजाना है कैसे निकालना है इसका वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जाके कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा गाना इस मोबाइल हारमोनियम ऐप पर सीखना है, मैं जल्द ही बजा के उसको डाल दूंगा। तो इस तरह से ये हारमोनियम ऐप में आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए अगर हम नागिन धुन भी इसमें आप बहुत ही आसानी से बजा सकते हैं, देखिए कैसे।
बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे अच्छे गाने इसमें सीखना चाहते हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा गाना आपको इस ऐप में सीखना है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो एप्लीकेशन तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अगर आपको इसमें गाना सीखना है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।